हे गाइस, वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी पे चंदा। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिससे अगर आप लोगे ना तो आपके पेट की जितनी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा जो पेट होता है ना, वो क्या होता है कि उसी के थ्रू सारी बीमारियाँ होती है। जो हमारे बाल झड़ते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो पेट के थ्रू होती है। तो पेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं जल्दी से आपको पहले उस प्रोडक्ट का नाम बता देती हूँ। मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है ये वेस्टिज का प्राइम कम बायोटिक, जिसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स विद प्रोबायोटिक कैप्सूल्स है ये, जो कि आपके पेट के लिए बहुत सही है। वो होता है कि हमारी जो आंत होती है, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है, खाना पचता है, बहुत बहुत टाइम तक क्या होता है कि वहाँ पे खाना रहता है, तो आंत में ना क्या होता है कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बुरे बैक्टीरिया से फाइट करते हैं ताकि हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई मेन बात क्या है कि हम डेली जो खाना खाते हैं ना, उससे ना तो हमें पूरे तरीके से विटामिन मिल पाता है, ना मिनरल्स मिल पाते हैं, और ना ऐसी चीज़ें मिल पाती है जो कि हमारे जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है उसको एनर्जी मिल पाए। तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो कम बायोटिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे में क्या होता है कि हम अलग से दवाइयों का सेवन करते हैं। एंटीबायोटिक जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो क्या करते हैं, हम बुरे बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, जो फाइट करते हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देते हैं। तो इससे और भी ज़्यादा जो बीमारियाँ होती है ना, वो हमें लग जाती है। तो ऐसे में अगर आप ये कम बायोटिक लेते हैं तो ये जो है ना, आपके पेट को पूरे तरीके से साफ़ करता है। जो कब्ज वगैरह हो जाता है पेट के अंदर, उनको दूर करता है। गैस की प्रॉब्लम को ये दूर करता है ये। और ये जो कैप्सूल्स है ना, ये मतलब ये इसके अंदर कैप्सूल्स के अंदर ही एक और कैप्सूल्स है। ये सुन के आपको अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इसको पहले आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, उसके बाद ही इसके बाद में कुछ बात करेंगे। तो इस तरीके से ये ओपन होता है ये, और ये खोल दिया है मैंने पहले ही। ये देखिए, ये वाइट कलर की कैप्सूल्स हैं, ये इस तरीके की कैप्सूल्स हैं ये वाइट कलर की। और जो मैं आपको कह रही थी ना कि इसके अंदर एक और कैप्सूल्स होता है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो कैप्सूल्स है, ये जो वाइट कलर का है, इसको हम ओपन करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आप इसे ओपन करोगे ना, तो एक तो ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, एक तो ये पाउडर फॉर्म में, मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो जब इस वाइट कैप्सूल्स को जब मैंने ओपन किया, तो इसके अंदर आप देख रहे हो, एक तो ये पाउडर फॉर्म में है और सेकंड जो है ये है ब्लैक कलर का कैप्सूल्स है ये। तो ये जो पाउडर फॉर्म में है ना, इसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है और प्रीबायोटिक है इसके अंदर। और ये जो आप ब्लैक कलर का कैप्सूल्स देख रहे हो ना, तो इनमें प्रोबायोटिक्स है। जो प्रोबायोटिक होता है ना, वो हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि फाइट करते हैं, जो रोग हमें लगने वाले हैं, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं उससे फाइट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अगर आप ये कैप्सूल्स खाते हो, तो ये आपके अंदर जाती हैं। ये जब आप इस कैप्सूल्स को लेते हो ना, तो क्या होगा कि पहले जब हम कैप्सूल्स को लेंगे, तो जो पाउडर फॉर्म वाला जो रहता है, वो मिनरल्स जो विटामिन्स होते हैं वो घुल जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। जो हमारे जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको एक तरह से एनर्जी मिल जाती है, और जो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो अलग से अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जो कि फाइट करते हैं। तो ये जो कैप्सूल्स है ये बहुत सही है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको प्रीबायोटिक अलग से मिलता है, जो प्रोबायोटिक होता है वो अलग से मिलता है। इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और ऊपर से प्रोबायोटिक, सारी चीज़ें आपको ये एक ही कैप्सूल से मिल जाएगी अगर आप इसे लेते हो। तो इसके मैं प्राइस की बात बताऊँ तो ये है 525 का है ये, और 2 ईयर्स की इसकी एक्सपायरी डेट है। ये जो कैप्सूल्स है ना, आपको खाना खाने के बाद लेना है, एक ही टाइम लेना है, दिन में एक बार ही लेना है ये आपको। 30 कैप्सूल्स के अंदर आते हैं, मतलब कि 1 मंथ तक ये आपका चल जाएगा। ये एक कैप्सूल से डेली लेना है। जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, जिनका आंत जो है वो सही तरीके से क्लीन नहीं रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनी रहती है, जो बार बार क्या होता है कि बीमार पड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके गुड बैक्टीरिया, उनको इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो बुरे बैक्टीरिया से फाइट कर पाए, तो ये कैप्सूल्स आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये कैप्सूल्स बहुत सही है, ये खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, और कई सारी जो बीमारियाँ होती है इन फ्यूचर जो आने वाली होती है वो भी ये रोक देता है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।